नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल प्रोचिन में गेमर में। गाइज, मैं आज फिर से खेलने जा रहा हूँ, वो एक्चुअली दो चार गेम प्ले नेट कनेक्शन की वजह से ख़राब हो गए, इसलिए ये अगला मेरा गेम प्ले है मिरर वर्ल्ड का। और मैं ये बिना एयरफोन्स के साथ खेल रहा हूँ क्योंकि मेरे एयरफोन्स ख़राब हो चुके हैं। वैसे इतने चिंता की बात नहीं है, बस थोड़े से महीनों का इंतजार है, उसके बाद नए ईयरफोन्स नए डिवाइस की सकते हैं, शायद आ सकते हैं। थोड़ा सा देर के बाद में इंतजार है। तो मैंने तय किया था कि यहाँ से सीधा जाएंगे निम्बस आइलैंड। हाँ, निम्बस ही आइलैंड कहते हैं। यहाँ पर दो आइलैंड होते हैं, एक निम्बस आइलैंड और दूसरा चैम्पियन आइलैंड। निम्बस आइलैंड ये जो आपको सामने छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, यही है। अब मैं इस पर उतरता हूँ ये सोच के कि यहाँ पर बंदे होंगे, लेकिन यहाँ पर कोई उतरता ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ दो से चार बंदे उतरते हैं और मेरा भैया आजकल ये जो बटन है वो काम नहीं करते। कभी जंप का काम नहीं करता, कभी फायर का काम नहीं करता, कभी पिक का, ऐसे कुछ थोड़ी सी ग्लिचेस चालू है। वैसे भैया मैं यहाँ पर थोड़ी सी लूट करता हूँ। हमारे तीन नंबर को किसी ने अनलॉक किया था, मैं उसको थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और यहाँ पर आ जाता हूँ, लेकिन तीन नंबर फिनिश। अब इसमें इतना अभी कोई टेंशन की बात नहीं, पता होगा आपको कि यहाँ पर अगर ख़त्म हो गए तो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, नीचे जाके वापस से आप लड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप अगर आखिर तक टिक गए तो आपकी सारी लूट आपके साथ ही यहाँ से नीचे जाएगी। मैं यहाँ पर मरता तो हूँ नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ी सी लूट करता हूँ। मैंने सोचा चलो नई गन उठा लेते हैं, रीलोड करते हैं। यहाँ पर एक बंदा आता है, उसको हमारे टीममेट फिनिश कर डालते हैं। तो हम यहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं कि क्या पता यहाँ पर आसपास कोई बंदा कैंपिंग कर रहा हो। यहाँ पर कोई नहीं मिलता और तीन नंबर जो है उसको आइलैंड से इतनी दूर, कुछ ज़्यादा ही दूर फेंक दिया था भैया। इतनी दूर कौन फेंकता है। तो मैंने सोचा कि जो वो और वो मेरे को हम सब कुछ चला चला के बोल रहा था कि भाई मेरे को बचा ले, भाई मेरे आसपास बहुत बंदे। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी उसको बचाते हैं, क्योंकि अपना टीममेट को तो बचाना चाहिए। लेकिन आजकल पता नहीं पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए हैं कि BGMI वालों ने यहाँ पर गाड़ी डालना बंद कर दिए। तो मुझे सामने यहाँ पर एक बंदा दिखता है, वो बंदा नहीं एक्चुअली बॉडी होता है। तो मैं उसको मारने के लिए जाता हूँ, थोड़ा सा डैमेज देता हूँ उसको, लेकिन वो पेड़ के पीछे जाके कवर लेते हैं। आजकल बॉट्स भी कवर लेने लग गए। और जो चिल्ला के बोल रहा था कि भाई मुझे बचा ले, वो देखो धड़ाधड़ बंदों को नॉक किया जा रहा है। भाई ये कौन है भाई, हमको बोल रहा है कि बचा लो। मैं यहाँ पर एक बंदा मिलता है तो उसको मैं नॉक कर देता हूँ। तब तक तीन नंबर को जो है बग्घी मिल जाती है और वो बग्घी लेके हमारे पास आ जाता है। तो मैं तब तक ये नया अपडेट का ये पहली बारी में मैंने किसी बंदे को उठाया, इससे पहले मैंने किसी बंदे को नहीं उठाया था। तो मैं इसको लेके चल रहा होता हूँ कि चलो इसको उठा के लेके चलते हैं। यहाँ पर जो है मैं इसको नीचे रख देता हूँ और हमारा टीममेट इसको ख़त्म कर देता है। और यहाँ पर थोड़ी सी उसकी लूट करते हैं और बग्गी में बैठ के निकल लेते हैं हमारे दो बचे हुए टीममेट के पास। भाई तीन नंबर तो कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ में था और बग्गी इतनी बहुत तेज चला रहा था, कभी इधर कभी उधर, और रेड जोन भी चल रहा था। और चार नंबर का पता नहीं क्या एक्सीडेंट हो गया, बग्गी उल्टी पलटी हो गई। और अभी हमको देखना थोड़ी देर बाद रेड जोन के अंदर ऐसे ओपन में नहीं घूमना चाहिए, उसका हम दोनों को अच्छा सबक मिलने वाला था। अब बस देखो आप लोग, मुझसे बोला भी नहीं जाएगा, इतनी बुरी हालत होने वाली है मेरी। हमारे ऊपर अब ये बड़ा सा बम पड़ने की वजह से मुझे तो लगा कि भाई अब हम ख़त्म, हमारा बचना तो मुमकिन ही नहीं है। इसलिए मैं जो है वो थोड़ी सी वीडियो को जो है कट कर देता हूँ। मैंने सोचा कि चलो नई वीडियो बना देंगे, जितने जब तक जिंदा है घुटने पे आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दो बॉट्स मिल जाते हैं, हमारे टीम में हमको बचा लेते हैं। यहाँ पर दो बॉट्स मिलते हैं, उनको मैं लपेट डालता हूँ। यहाँ पर हो जाते हैं चार किल। भाई मुझे बंदे ही नहीं मिलते क्योंकि बंदों का हम अभी मिरर वर्ल्ड में कैसे नहीं, तो मुझे लगा कि ये ग्रेनेड फेंक रहा है, लेकिन स्मोक फेंक रहा होता है ये बंदा।
अब हम क्या बोल रहा था कि यहाँ पर बंदे जो है आपको ऐसे ओपन में वगैरह कहीं नहीं मिलेंगे। आप अगर स्कूल अपार्टमेंट्स में भी जाओगे आपको मिरर रोल में बंदे ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि पहले तो चैंपियन आइलैंड पे उतरेंगे, सॉरी पहले तो निम्बस आइलैंड पे उतरेंगे और उसके बाद चैंपियन आइलैंड पर जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए जहाँ पर वो चैंपियन आइलैंड के होते हैं ना वहाँ पे जाना चाहिए। यहाँ पर एक बंदा कहीं पर घास में छुपा हुआ होता है, हमको लगता है कि पोचिंग के साइड में ये होते हैं, हमको लगता है कि भाई ये कोई घर के अंदर घुस के हमको मारे, घर के अंदर पोचिंग के घर में छुप के बैठा है और हमें मार रहा है। यहाँ पर जो है हमारे अलावा तेरा बंदे वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पर शायद थोड़ी सी कुछ, क्योंकि भाई मेरे बहुत गंदी आदत है कहीं पर भी जाओ लूट जरूर करना, मेरी पहले से ही आदत है। तो हमारे टीममेट बोल रहे कि यहाँ पर आसपास बंदे पहाड़ के ऊपर बंदे, 3 नंबर भी आ रहा होता है पीछे से, पता नहीं क्या कर रहा था। मुझे मेरे पास भी अच्छा स्कोप नहीं था, मुझे दिख ही नहीं रहा था वो बंदा, तो मैं यहाँ पर जो थोड़ी सी पट्टी वगैरह लगा लेता हूँ। हमारे टीममेट जो है एक बंदे को यहाँ पर नॉक और फिनिश कर देते हैं, तभी भैया हमारी गाड़ी पे कोई फायर करते हैं। मैं डर के मारे घर के अंदर घुसने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे पट्ट से हेडशॉट AWM की पड़ जाती है और मैं भैया रेंगते मुझे लगा अब तो भैया ख़त्म, रेड जोन चल रहा है। और हमारा टीममेट देखो भैया उसके पास AWM और ये ओपन में क्या कर रहा है। मैं भैया इधर 3 नंबर के पास आ जाता हूँ, यहाँ पर गन में स्कोप वगैरह लगा रहा होता है, इसके पास भी AWM होती है, तो भैया ये मेरे को जल्दी से रिवाइव कर देता है और मैं हेल्थ किट लगा कि इधर बैठ जाता हूँ। अब भाई जब तक मैं यहाँ पर हील कर रहा था तब तक भैया 4 नंबर जो है चार और हमारे टीममेट सभी को धो रहे थे, और यहाँ पर पता नहीं पीछे से कोई घुसपैठ या हमारे घर के अंदर घुस गया था। हमने भैया इस घर के अंदर भैया किराए देके रहते हैं और ये बंदे बिन बुलाए मेहमानों की तरह आके घर में घुस जाते हैं, तो मैं मुझे लगा कि यहाँ पर बाहर आसपास आएगा। और 4 नंबर जो है यहाँ पर देख रहा था, मुझे लगा कि भैया और हमारे टीममेट जो है यहाँ पर आसपास देख रहे थे और बंदों को पहले जा रहे थे, मेरे पास अच्छी स्कोप नहीं थी उसके चक्कर में भैया, और मेरा नेट भी इतना लैग कर रहा था, ये अपने आप ही एक्चुअली गोली चल गई। तो मैं हम 4 नंबर जो इधर उधर घूम रहा था, मुझे लगा कि भाई अगर बाहर निकलूँगा तो फिर से पट्ट से हेडशॉट पड़ जाएगा और मुझे हेडशॉट खाने का कोई भी शौक नहीं था। फिर से रेड जोन बन गया, लेकिन इस बार रेड जोन से तो नहीं, लेकिन हमारे 4 नंबर को कोई M72 से नॉक कर देता है। मुझे लगा, मैं सोच रहा था कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, मैं सोचता हूँ कि चलो जब भाड़ में जाए रेड जोन, भाड़ में जाए बंदा, अपने टीममेट को बचाना ज़रूर है, इसलिए मैं यहाँ से भागता हो जाता हूँ। यहाँ पर आ गया तो यहाँ के लेट देता हूँ कि क्या पता है यहाँ पर आसपास के बंदा हो, वो मुझे बुला रहा था कि मेरे पास आओ और मार कर देता है। मैं यहाँ पर बंदा दिखता है और मैं उसको पूरा का पूरा फिनिश कर डालता हूँ। अब भैया हमारे अलावा बचा था सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा, मैं यहाँ पर जल्दी से आके 4 नंबर को रिवाइव कर देता हूँ। हमको यहाँ से बॉट फायर आ रहे थे, तो यहाँ पर एक बॉट ही होता है असल में, कोई बंदा नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भले ये आपका भाई ने आपके भाई ने सिर्फ 5 ही किल किए इस मैच में और वो भी ज़्यादातर बॉट्स ही थे, लेकिन भैया हम तो नए प्लेयर्स कौन से प्रो होते हैं भाई। थोड़ी सी देर का इंतज़ार फिर आपका भाई भी बंदों को फैलना शुरू कर देगा। तो अगर आपको मेरे भविष्य की तगड़ी वीडियो देखनी है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।